स्वागत है आपका एक फिर से नई व्लॉग में। तो हम आज जा रहे हैं मल्लारगढ़ फोर्ट, तो बने रही मेरे साथ। गाइस, मल्लारगढ़ पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके बेस पर सोनूरी विलेज होने के कारण इसे सोनूरी किले के नाम से भी जाना जाता है। किले का नाम भगवान मल्लारी के नाम पर रखा गया था और माना जाता है कि किले को पुणे सासवड मार्ग के साथ दिव्य घाट पे नज़र रखने के लिए बनाया गया था। ये किला ईयर 1760 में बनाया गया था भीमराव यशवंत जी और पेशवा सरदार कृष्णा जी और माधवराव पांसे जी ने इस किले का निर्माण किया था। गाइज, वहाँ पे 20 रुपए का पास ले लेना, वहाँ से फिर थोड़ा आगे हो गया तो ये है मल्लारगढ़। यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये है मल्लारगढ़। और गाइज, ये सबसे लास्ट में बनाया हुआ फोर्ट है। चलो चलते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस, ये सबसे लास्ट बनाया हुआ गया किला है और सबसे छोटा किला यही है, आप देख सकते हो। बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत स्लिपी एरिया हो जाता है, पैर बहुत स्लिप हो जाते हैं, देख सकते हो पूरा मिट्टी मिट्टी। और जो हम जा रहे हैं उस साइड से, उसका नाम है चोर दरवाजा, देख सकते हो। ये चोर दरवाजा, ये देख सकते हो। सबसे अच्छी बात, ये कचरा मत फैलाओ। गाइस, यहाँ पे ये कुआ है, ये देख सकते हो पूरा सूखा है, अभी पानी नहीं है इसके अंदर, पूरा सूखा है। और वैसे दो कुएं हैं, एक उस साइड है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। गाइस, किले के ऊपर दो मंदिर है, एक खंडोबा मंदिर, दूसरा महादेव मंदिर। हम जाते हैं अभी मंदिर देखने। जी है खंडोबा मंदिर। काय म्हणता काकी? काय नाही, गेचे पाणी बघत हाय का? आपे है महादेव मंदिर, ये देख सकते हो। दरवाजा, इसे मराठी में लाकड़ी दरवाजा बोलते हैं, ये देख सकते हो। वाह,
पूरे किले के ऊपर ना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये देख सकते हो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं और वो मौसी, और यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू। गाइस यहाँ पे एक है वाटर टैंक, देख सकते हो। गाइस कुछ दिन पहले जो जमीन में सीक्रेट रूम था वो मिला था, वही देखने के लिए जा रहे हैं, आपको दिक्कत हो। तो गाइस मुझे ये लग रहा है ये रूम है ना, ये जो ये फर्स्ट रूम देन सेकंड, ये जो रूम है ना, इस रूम में क्या होता होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ इस रूम में ना सीक्रेट मीटिंग होती होगी, क्योंकि यहाँ से आवाज़ बाहर भी नहीं जाता है और अंदर भी नहीं आता है। तो पहले के ज़माने में ना जो भी मिशन रहता था ना, तो यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि बाहर आवाज़ जाता नहीं था और किसी को सीक्रेट पता नहीं रहता था, इसलिए तो यहाँ पे आके यहाँ पे मीटिंग करा करते थे मेरे ख्याल से तो। सो है गाइज, ये था आज का ब्लॉग, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।